हेलो दोस्तों, एयरमोल रिपेयरिंग चैनल पर आप सभी लोग के फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद सब लोग का सामने एक टूल लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल या तो टाइटल देख के पता चल गया होगा ये टूल क्या है और किस टूल का बारे में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज का जो टूल है वो बहुत एक ज़बरदस्त टूल होने वाला है। दोस्तों, इस टूल का मदद से बहुत सारे फ़ोन को एडीबी इनेबल कर सकते हो, गूगल एफआरपी रिमूव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये टूल किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है, दोस्तों ये सब देखने के लिए मेरा साथ बने रही और वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोग को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल के लिए नए आए तो इस लाल रंग का बटन पर क्लिक करके जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटा है इसे भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये टूल डाउनलोड करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा। डाउनलोड लिंक मेरा वीडियो के नीचे डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसको अनजिप कर लीजिए। दोस्तों, ये टूल का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 108 MB है, तो इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अनजिप करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, तो पासवर्ड क्या करना है, ये जो ऊपर पे जो दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने का बाद ये जो सेटअप है और रन कर लीजिए, तो इसे रन होने में और इंस्टॉल होने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, ये टूल बहुत हेल्पफुल होने वाला है सब लोग को। दोस्तों इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर जो इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा के नेक्स्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, एक टूल या तो कोई एक वीडियो अपलोड करने से बहुत मेहनत लग जाता है दोस्तों, इसलिए सब लोगों को थोड़ा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक तो सब लोगों ने नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो तो वॉच कर रहा है लेकिन लाइक नहीं कर रहा है, वीडियो पर लाइक कम आ रहा है दोस्तों, और बहुत मेहनत करके सब लोग का साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसको अनटिक करके फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह देखने को मिलेगा, डेस्कटॉप पर डायरेक्ट आ जाएगा। उसको क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन कर लीजिए। इसके बाद इसको यस कर देना है। दोस्तों, इस टूल का अंदर बहुत सारी सैमसंग का बहुत कुछ दिया हुआ है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पहले जो यूजर नेम कॉपी किया ये नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये दोनों बॉक्स पर सेम पेस्ट कर देना है। दोस्तों, एक ही है, ये यूज़र नेम जहाँ पर डाला है ये दोनों पर सेम डाल देना है। डालने के बाद इसको लॉगिन कर देना है, इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसको ओपन होने में इस तरह देखने को मिलेगा दोस्तों, इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं सैमसंग का दिखा रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग का बहुत कुछ दिया हुआ है इस टूल का अंदर। और ये सैमसंग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, एडीबी इनेबल कर सकते हो और एडीबी इनेबल कर सकते हो, ये मॉडल क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे मॉडल है, इतनी सारे मॉडल को एडीबी इनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्लैश एडीबी फाइल, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एफआरपी जो रिसेट है ये देख लीजिए, बहुत सारे मॉडल दिया हुआ है इसका अंदर, इतनी सारी मॉडल को एफआरपी रीसेट कर सकते हो। और यहाँ पर देख लीजिए एफआरपी बाईपास कर सकते हो, तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा ये सैमसंग का दिया हुआ है, ये लेटेस्ट अपडेट जितनी सारी मॉडल है सब दे दिया है इसका अंदर। तो दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, ये बैक कर देना है। उसके बाद ये फास्ट बूट मोड जो है इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये फास्ट बूट मोड पर एफआरपी बाईपास कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए एचटीसी एफआरपी बाईपास कर सकते हो, यहाँ पर देख लीजिए लेनोवो एफआरपी बाईपास कर सकते हो, क्वालकॉम एफआरपी बाईपास कर सकते हो, एमआई अकाउंट बाईपास कर सकते हो। इस तरह देख लीजिए जेटी फास्ट बूट मोड पर बाईपास कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैक कर लीजिए, और बहुत सारे इंटरफेस दिया हुआ है, ये सोनी का देख लीजिए। तो ये सब अभी तक पूरे नहीं आया, क्योंकि ये अभी तक अपडेट चल रहा है, तो सब आ जाएगा इसका अंदर। ये अभी जो फास्ट फूड मोड पर और सैमसंग का है ज़्यादा दिया है, और हवाई का देख सकते हो, यहाँ पर बाईपास कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है कि क्योंकि ये सब अपडेट होने वाला है, अपडेट होकर ये सब आ जाएगा और एलजी का देख सकते हो, एलजी का बाईपास कर सकते हो एफआरपी। और ये एलजी का बहुत सारे मॉडल दिया हुआ है, ये डाउनलोड मोड पर एफआरपी बाईपास कर सकते हो। दोस्तों एलजी का दिया है और सैमसंग का दिया है और फास्टफूड मोड पर बहुत सारे मॉडल का दिया हुआ है। ये इतने सारे फ़ोन को आप एफआरपी से बाईपास कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो और रेडी भी इनेबल कर सकते हो सैमसंग का। दोस्तों ये टूल अगर आप मोबाइल फ्लैशिंग काम कर रहा है तो ये टूल बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो ये टूल आप डाउनलोड कर लीजिए, ये सेटअप और इंस्टॉल कर लीजिए और आपका कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये टूल। दोस्तों इस तरह मैं जितने सारे मॉडल दिखाया, इतने सारे मॉडल वर्क है, इसलिए मैं सब लोग का साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये बहुत कुछ दिया हुआ है और जितने सारे अभी तक आया नहीं, ये अपडेट होके आ जाएगा। ये अभी तक अपडेट पूरे नहीं हुआ तो ये सब आ जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको पैसे नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है और आपका कोई नुकसान भी नहीं होता ये लाइक और सब्सक्राइब करने से। और हम सब लोग वीडियो अपलोड करने से मज़ा आ जाएगा, क्योंकि डेली वीडियो इस तरह अपलोड करते रहता हूँ और सब लोग को इस तरह मिल जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।